मैग्नेट्स एंड अर्थ मैग्नेटिज्म, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है, यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड पढ़ रहे हो आप, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? मैग्नेट्स एंड अर्थ मैग्नेटिज्म। हालांकि आप मैग्नेट्स के बारे में पहले बहुत कुछ जानते हो, तो इसको थोड़ा स्पीडली करेंगे आप। और जो आपके लिए नया चैप्टर है वो है अर्थ मैग्नेटिज्म। मैग्नेट्स एंड अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे फर्स्ट हाफ में। आप पहले ये पढ़ेंगे मैग्नेट्स, और क्योंकि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर करा था, तो उस इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल मोमेंट, एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, ये सब करा था, इलेक्ट्रिक फील्ड, एफ अपॉन क्यू। तो इस तरह के इसमें भी आपको ये सारे के सारे फंडे आने चाहिए, इसकी प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। तो मैं फिर भी आपके पास पीडीएफ भेज दूंगा, जस्ट आपने उसको एक बार रीड करना है। रीड करते ही आपको काफी क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। सबसे पहली बात, आपको पता होना चाहिए मैग्नेट क्या होता है। पता है ना, एक नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, और इसके अराउंड जो फील्ड प्रोड्यूस होता है, मतलब जो स्पेस होता है जहां पर इसका इसको एक्सपीरियंस करा जा सके, इसकी फोर्स को, उसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड, ये आपने 10th क्लास में काफी अच्छे तरीके से पढ़ लिया था। तो अब इसके ऊपर मेरे को नहीं लगता कि हमें टाइम खराब करना चाहिए। फिर भी अगर आपको दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो। और क्या जानते हो मैग्नेट के बारे में? फ्रीली सस्पेंड कर दिया जाए तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ले लेता है। दो पोल होते हैं, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करते हैं, यानी कि लाइक पोल्स आर ऑलवेज रिपेल और अनलाइक पोल्स आर ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानते हो, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल दी थी, इलेक्ट्रिक चार्ज फोर्स निकाल दी थी ना, एफ इज इक्वल टू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। इसी तरह से आप इसकी भी फोर्स निकाल सकते हो। कैसे? इसमें भी आपको के यानी कांस्टेंट लेना है, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू होगी म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, और पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ एम से लिखेंगे। ये देखो, ये थोड़ा सा नया आपके लिए। उसमें क्यू होता था चार्ज, इसके अंदर क्या होगा? पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। और इसके यूनिट होते हैं एम्पियर मीटर। ऐसा यूनिट क्या होते हैं? एम्पियर मीटर, एम लिख लो, एम्पियर मीटर। तो जैसे ये मैग्नेट हो गया, कोई आपने नॉर्थ पोल ले लिया इसका, ठीक है, कोई दूसरा मैग्नेट है यहाँ पर, उसका साउथ पोल ले लिया, इन दोनों के बीच में गैप कितना है, सपोज डी या आर। तो इसकी सपोज आपने M1 ले लिया मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, इसका M2, भाई अलग अलग मैग्नेट है, अलग अलग पोल स्ट्रेंथ है, उनके बीच का डिस्टेंस क्या ले लिया, आर। तो आपका जो फॉर्मूला तैयार हो जाएगा वो बन जाएगा एफ इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर बाई एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। इसी तरह से आप मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड, उसमें जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ई लेते थे, इसमें भी आप ई ले लीजिए, बस फुट में एम लगाकर आप मैग्नेट को रिप्रेजेंट कर लेना, क्योंकि एक जैसे फार्मूले हैं। सिर्फ उसमें के की वैल्यू क्या होती थी, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें के की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई। उसमें चार्ज लिए जाते थे, इसमें पोल स्ट्रेंथ ली जाएगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बस आपको बताया जा रहा है। इसका भी फार्मूला फोर्स अपॉन अब मैग्नेटिक और ये पोल स्ट्रेंथ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पोल स्ट्रेंथ। उसमें क्या होता था इलेक्ट्रिक फील्ड में, इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक में, इसमें क्या होगा, एफ अपॉन एम। तो यहां से अगर इसका फार्मूला देखा जाए तो क्या बन जाएगा, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई। जो ये एम वन एम टू है, मान लो पोल स्ट्रेंथ सेम ही थी, एक एम से एक एम खत्म हो जाता है, तो क्या हो जाता है, एम अपॉन आर स्क्वायर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला रहेगा, इसका यूज भी करना आप ही आपको। तो ये सारी चीजें आपको पहले से आनी चाहिए। उसके बाद यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को कैसे दिखाते हो आप, पैरेलल लाइन से। किससे? पैरेलल लाइन से। ये सब आप बता रहे हैं वो, हालांकि पहले आपने इसका यूज कर लिया है, फिर भी ये किसका है बेटा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिखाने का तरीका, ठीक है। पैरेलल लाइन लेनी है इक्वी डिस्टेंस, मतलब इनके बीच का जो ये गैप है सारी जगह पर सेम होना चाहिए, ठीक
क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सारा का सारा इक्वल होना चाहिए, गैप जो इनके बीच का गैप दिख रहा है आपको लाइनों, ठीक है। और अगर इस तरह से दे रखा हो तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपको पता ही है, क्या बोलते हैं इसको, इनवर्ड। कैसा मैग्नेटिक फील्ड है ये, इनवर्ड। और इसी तरह से डॉट दे रखा हो तो ऐसे ले लिया आपने मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगा, ये आउटवर्ड के लिए होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, आउटवर्ड, ये आउटवर्ड को शो करता है। तो ये सारी कुछ जानकारी थी जो मैग्नेट्स के बारे में आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रॉपर्टी के बारे में क्या, फर्स्ट तो वही था लाइक और अनलाइक वाला, उसके बाद लाइक पोल क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती आपस में लाइन, ना, इसके ऊपर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पढ़ा होगा। क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूअस होती है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज आपने 10th क्लास में भी हालांकि पढ़ रखी है, फिर भी थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूं। फर्स्ट, लाइक पोल्स क्या करें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए कह रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में आप क्या करेंगे, क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूअस, क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूअस। क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूअस में क्या आएगा, आपको पता होना चाहिए कि कोई मैग्नेट होता है, उसके नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकल और लाइंस निकलती है, इमेजिनरी लाइंस होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, इमेजिनरी, मतलब ये आपने जस्ट इमेजिन की हुई है, ऐसे आपको ये लाइनें नहीं दिखेंगी। अगर आप इसके पास मैग्नेटिक कंपास नीडल रख दोगे तो उनकी जरूर, मतलब इस तरह से अरेंजमेंट में वो सारे के सारे लग जाएंगे। मान लो मैग्नेटिक कंपास नीडल रख दिया आपने यहाँ पर इस तरह से, इन सब के अंदर डायरेक्शंस ऐसे मिलेंगी आपको, यहां से ऐसे ये एरो का निशान थोड़ा थोड़ा मुड़ता हुआ चला जाएगा इस तरह से, ठीक है। और ये मुड़ते हुए कहां पर एंटर करेगा, साउथ पोल में, तो यहां से पता लग जाएगा कौन, ठीक है, नॉर्थ कौन सा और साउथ कौन सा। तो इसी को ट्रेस करके आप क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ले सकते हो। आयरन फीलिंग की एक्टिविटी भी थी एक टेंथ में। और ध्यान रखना, जो ये मैग्नेट के यहां से निकल रहा है ना, ये लाइन यहां से एंड पर से पोल पे से, ये बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर होंगी, नॉर्मल होंगी, नॉर्मली निकलेंगी और नॉर्मल ही एंट्री करेगी। और दूसरी बात, जितनी मर्जी लाइनें निकाल लो, क्या होएंगी, नॉर्मली निकलेंगे और नॉर्मली एंटर। लेकिन जैसे जैसे ये दूर होती चली जाएंगी, आप देखोगे कि यहां पर इनके बीच का गैप कम था, फिर ज्यादा हो गया, फिर और ज्यादा हो गया, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेट के पास तो ज्यादा होता है, और दूर जाते जाओगे तो क्या होएगा, कम होता चला जाएगा। और सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहां पर होता है, पोल पर। ये सारी बातें आपको पता है प्रॉपर्टीज में। सेकंड, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, नेवर इंटरसेक्ट, नेवर इंटरसेक्ट, कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों, क्योंकि अगर ये इंटरसेक्ट करती है, इन्होंने ये ले लिया कि अगर सपोज ये इंटरसेक्ट करती है तो एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शंस मिलती हैं, वो भी डिफरेंट, एक ही पॉइंट पर दो डिफरेंट डायरेक्शंस मिलती हैं। देखिए, सपोज ये वन, ये टू, ये वन वाली कहां जा रही है, इस तरफ, तो इस पॉइंट पर से आप देखेंगे इसका जो टेंजेंट है वो आपको यहां पर मिलेगा टी वन। सेकेंड, सेकेंड वाली रे कहां जा रही है, थोड़ा सा ऊपर, तो इसका टेंजेंट आपको मिलेगा इस डायरेक्शन में टी टू। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सेम डायरेक्शन में चलती है, नॉर्थ टू साउथ, और यहां पर क्या हो गई,
डिफरेंट डायरेक्शंस मिल गई. क्या मिल गई? डिफरेंट डायरेक्शंस. इसका मतलब ये इम्पॉसिबल. जब पता है ये नॉर्थ से साउथ जा रही है तो ये दो डायरेक्शंस में तो साउथ नहीं हो सकता ना, तो ये इम्पॉसिबल हो जाता. तो ये फैक्टर भी मतलब आपको पता होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. और क्या है इसकी प्रॉपर्टी? और प्रॉपर्टीज में आप देख सकते हो कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच का गैप कम है, सपोज ये रहा, और एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये दे रखी है, सबसे पहली बात दोनों के दोनों यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, B1B और B2B, बट इनके बीच का गैप ज्यादा है तो ये वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा, वीक मैग्नेटिक फील्ड. और ये कैसा होगा गैप कम है तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड B1. तो इस तरह से आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में क्लोज है, वो काफी क्लोज है, गैप कम है, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, जहां पर गैप ज्यादा होगा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, वो वीक होगा कंपैरेटिवली. तो ये सारी चीजें आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज में आनी चाहिए. तो ये था थोड़ा सा प्रीवियस सिलेबस आपका, 10th क्लास रिलेटेड कह सकते हो इसको. नेक्स्ट, धीरे धीरे हम आ रहे हैं अपने टॉपिक में. मैग्नेटिक डाइपोल और डाइपोल मूवमेंट के बारे में आप जानते हो, बता दिया था मैंने बीच में थोड़ा सा आया था वो, अब फिर दोबारा से आ गया. PDF में मिल जाएगा आपको सब कुछ. मैग्नेटिक डाइपोल में क्या देखा था आपने? मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है? जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था वैसे ये है. फिर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, और क्या बोल सकते हो इसको? सिर्फ डाइपोल मूवमेंट भी बोल सकते हो. क्या था मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट? वो कहता है कि दो पोल होने चाहिए. कैसे? अनलाइक, यानी कि एक नॉर्थ होगा और एक साउथ. जैसे उसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक पॉजिटिव था और एक नेगेटिव. और साथ में क्या होना चाहिए, दूसरी चीज क्या पता होनी चाहिए मैग्नेटिक डाइपोल के लिए? सर्टेन डिस्टेंस, भाई उनके बीच में गैप भी होना चाहिए थोड़ा, ठीक है? तो वो क्या होएगा? डाइपोल का काम करेगा. तो ये एक तरह से बार मैग्नेट अगर आप ले लेते हो, नॉर्थ साउथ मान लो, ये बार मैग्नेट ले लिया, देखो दो पोल भी है इसके पास और इनके बीच में गैप भी है. और इस गैप को आपने जैसे उसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल में 2L या 2A लेते थे, इसमें भी आपने क्या लेना है? 2L, ताकि मैथमेटिकल जो कैलकुलेशंस होंगी आपकी वो क्या होगी? सही हो जाएंगी. क्योंकि L को लेकर करते हो तो आपका आंसर में L/2 आएगा फिर फॉर्मूले, और 2L लेकर करते हो तो सिंगल L बच जाएगा फिर, क्योंकि हाफ हो जाता है इसका फॉर्मूले में. दैट्स व्हाई हमें पहले से पता है तो हम इसको 2L लेकर करते हैं ताकि कैलकुलेशन में इजी रहे. ये इसका मिड पॉइंट ले सकते हो आप. तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा 2L, L और L. ये चीज आपको पता होनी चाहिए. दूसरी बात, जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है वो क्या होगी इसकी? एक बार मैग्नेट की तो सेम ही होगी, ये भी एम ये भी एम. तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट निकालने के लिए फार्मूला क्या था? M.2L. डिनोट किससे करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को? कैपिटल एम से. तो यहां से क्या आ गया? कैपिटल एम इज इक्वल टू, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है? तो वेक्टर में लेंगे आप इसको. और इसके ऐसा यूनिट क्या होते हैं? बताया था एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर. निकाल भी सकते हो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ क्या भी बताई थी मैंने आपको, एम्पियर मीटर होती है और लेंथ के मीटर होंगे तो क्या आ जाएगा? एम्पियर मीटर स्क्वायर. तो ऐसा यूनिट क्या हो गए? एम्पियर मीटर स्क्वायर. दूसरा, करंट और एरिया की फॉर्म में भी बताया था, ये क्या था फार्मूला? वो आई ए था ना, ये फार्मूला भी करंट के साथ. मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या रहती है? साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ. किसकी? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट डायरेक्शन. कैसे निकालते हो? इस तरह से करंट की डायरेक्शन में फिंगर को ले लो,
थंब आपको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट देगा। यही था ना, थोड़ा सा देख लो। करंट एंटी क्लॉकवाइज, राइट हैंड को लो, कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थम्स आउटवर्ड, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, आउटवर्ड, ये डायरेक्शन रहेगी एम की। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा पहले से भी पता थी, और कुछ एक चीजें नहीं थी तो वो अब आपको पता लग चुकी है। अब आप करने जा रहे हो एक्सियल लाइन और इक्विटोरियल लाइन के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी ये टॉपिक आता है एक्सियल लाइन और इक्विटोरियल लाइन का, इसके अंदर भी है, तो आपको अगर वहां से आता है तो इजी रहेगा, लेकिन हमें तो करवाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट वन है, बाय चांस किसी को वहां पे समझ में नहीं आया है या कोई दिक्कत थी तो वो यहाँ पर भी समझ सकता है इसको, और बोर्ड पे भी चॉइस होती है, वो उधर से भी डाल सकता है क्वेश्चन पेपर में और इधर से भी डाल सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ये फर्स्ट हाफ थोड़ा ऐसे ही चलेगा जिसमें से आपको भी काफी कुछ आता होगा 10th क्लास के बेस पर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मैग्नेटिक डाइपोल, ड्यू टू अ मैग्नेटिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन और एक्सियल पॉइंट भी बोल सकते हो आप। एक्सियल लाइन और इक्विटोरियल लाइन का भी पता होना चाहिए भाई, क्या होती है एक्सियल लाइन, जो कि उसकी एक्सिस पे हो। लो डायग्राम बना के फिर देखते हैं इसको। ऊपर बना ले, यहां पर थोड़ा स्पेस बच जाएगा। ये कोई मैग्नेट है, ठीक है, बार मैग्नेट में इसलिए ले रहा हूं क्योंकि वो भी डाइपोल की तरह काम करे। सपोज ये पोल नॉर्थ हो गया और ये वाला पोल आपने साउथ ले लिया, ये इसका सेंटर पॉइंट है ओ, ये डिस्टेंस एल ले लो, ये वाला भी एल, और टोटल हो जाएगा ये 2L। ठीक है, एक्सियल लाइन क्या होती है, एक्सियल लाइन जो ये पोल से पोल के बीच में स्ट्रेट लाइन है, इसको बोलते हैं एक्सियल लाइन। क्या बोलते हैं? एक्सियल लाइन। एक्सटेंड कर दो इसको लेफ्ट और राइट, ये सारी एक्सियल लाइन होगी। अब मैग्नेट ऐसे हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है नॉर्थ साउथ, तो ऐसे होगी, ऐसे रख दोगे तो ऊपर नीचे हो जाएगी, जैसे जिस डायरेक्शन में नॉर्थ साउथ होंगे उसी डायरेक्शन में एक्सियल लाइन होगी। ठीक है, दूसरा आपको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मैग्नेटिक डाइपोल, आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है डाइपोल से ऑन इट्स एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन पर या कोई उसी लाइन पर कोई पॉइंट, तो ये लीजिए यहां पर कोई मैंने पॉइंट ले लिया P पॉइंट, यहां पर मेरे को क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, यानी कि B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सबसे पहली बात आपने क्या करना है, इसके अंदर जो ये P पॉइंट है, यहां पर आपने एक टेस्ट चार्ज रखते थे ना आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में, और वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते थे, पॉजिटिव, नेगेटिव भी रख सकते हो, पॉजिटिव भी रख सकते हो, तो ये चार्ज दो ही टाइप का होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो आप उसमें से किसी एक को एज्यूम करके काम करते थे। यहाँ पे भी आप या तो नॉर्थ या साउथ, जो भी ये पॉइंट आपने लिया है, या तो आप इसको नॉर्थ पोल की तरह लीजिए या साउथ पोल की तरह लीजिए, कोई एक मानना पड़ेगा आपको, और वो मैं मतलब बुक में नहीं लिखा होता, ये खुद आपने इमेजिन करना है तभी आपके लिए इजी रहेगा। चलो मैं इसको नॉर्थ ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, नॉर्थ, देखो मैंने छोटा सा एंड डाल दिया, अगर इसको एन की तरह ट्रीट करना आपने, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो मैंने ले लिया डी, क्या डिस्टेंस ले लिया डी, ओ से लेकर
पी तक, डी डिस्टेंस ले लिया, ये एल ओ, ठीक है। अब जो ये दो पोल है नॉर्थ और साउथ, ये अपनी अलग अलग फोर्सेस पे लगाएंगे। ये वाला पोल इसके ऊपर देखो, नॉर्थ नॉर्थ क्या करेगा, ये रिपेल करेगा। तो पहले इसको ट्रीट करेंगे नॉर्थ पोल को। नॉर्थ पोल ने इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगाया, सपोज बी एन, क्या लगाया बी एन, किस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में, उस तरफ। तो बी एन की वैल्यू निकलो, बताइए क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की। मैंने बताया था फोर्स अपॉन पोल स्ट्रेंथ होता है, बताया था ना ये फार्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4πm/r2, यही बताया था, यही चीज को लेकर आपने काम करना है। चलो बी एन बताइए क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4π, पोल स्ट्रेंथ क्या है, दोनों की सेम ही होगी, इधर भी m और इधर भी m, नो कंफ्यूजन, ये सारी चीजें तो सेम ही आनी है। बचा r, r क्या है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये टोटल कितना है d, ये वाला कितना है l, तो d में से ये l माइनस कर दो, कितना बच जाएगा d माइनस l, तो ये d माइनस l का स्क्वायर। तो ये आ गया आप पे बी एन डिस्टेंस अलोंग किस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में बी एन, एन से पी, यानी कि एन पी लिख देंगे आप इसको। इसी तरह से आप बी एस की वैल्यू निकलवाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल। अब इसको दे, इसको इग्नोर कर दो, ये वाला इसके ऊपर देखो, यहां से यहां तक ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। लेकिन आप समझ सकते हो कि ये नॉर्थ इसके पास था तो फोर्स ज्यादा लगेगी, ये वाला दूर है साउथ इससे तो ये कम लगाएगा फोर्स। तो आप इसका जो मैग्नीट्यूड है, देखो मैग्नीट्यूड यहां से यहां तक, ये एरो का निशान कम लिया आपने, इसमें ज्यादा लिया, ये होगा आपका बी एस। क्या होगा बी एस, बी एस की वैल्यू कैसे निकलवाओगे, ये तो कॉन्स्टेंट ही होता है, पोल स्ट्रेंथ भी दोनों की सेम है, अपोन यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, ये यहां से यहां तक डी था और ये वाला कितना था एल, तो डी प्लस एल, ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा डी प्लस एल, पी से लेकर एस तक। तो यहां पर आप लगाएंगे डी प्लस एल स्क्वायर। दूसरी बात, ये दोनों आपने, ये अलोंग क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में है तो आप बोलोगे पी एस, पी एस डायरेक्शन। ये दोनों इक्वेशन आपके सामने आ चुकी है। अब जो बात है वो क्या है कि इन दोनों फील्ड में से, बी एस में से और बी एन में से ज्यादा कौन सा है, ज्यादा कौन सा होगा, जो ये मैग्नेट के पास है बिल्कुल नॉर्थ वाला, यानी कि बी एन। आप देख सकते हो फिगर से, मैथमेटिकल भी देख सकते हो, फोर्स किसकी ज्यादा होगी, मैग्नेटिक फील्ड किसका ज्यादा होगा, बी एन का, किससे, बी एस से। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे, बी की वैल्यू कैसे निकालोगे, बी एन माइनस बी एस का, क्या करके बी एन माइनस बी एस का, ठीक है। आप इसका मैग्नीट्यूड लेके काम करो, मैग्नीट्यूड लेकर काम करेंगे सबका, बी एन माइनस बी एस कर दीजिए। तो बी इज इक्वल टू क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी एन, म्यू नॉट अपॉन 4π एम अपॉन डी माइनस एल होल स्क्वायर माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी एस, म्यू नॉट अपॉन 4π एम अपॉन डी प्लस एल होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करना आपको, बी इज इक्वल टू कॉमन ले लीजिए, क्या आएगा कॉमन, म्यू नॉट अपॉन 4π और साथ में एम, ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, 1 अपॉन डी माइनस एल होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन डी प्लस एल होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ एलसीएम लीजिए, म्यू नॉट अपॉन 4π, एलसीएम क्या आएगा, दोनों को एक साथ ऐसे ही लिख दीजिए प्रोडक्ट फॉर्म में,
डी माइनस एल डी प्लस एल होल स्क्वायर। डी माइनस एल स्क्वायर से डी माइनस एल स्क्वायर कैंसिल, डी प्लस एल होल स्क्वायर को वन से आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई, डी प्लस एल होल स्क्वायर माइनस डी प्लस एल से ये कैंसिल, डी माइनस एल को इससे कर देंगे। ओके नाउ ओपन दिस दीज ब्रैकेट्स, यहां से रफ कर रहा हूं मैं सर, लास्ट स्टेप में एम भी आएगा। हां जी बेटा बोलो, लास्ट एम भी आएगा, लास्ट स्टेप में एम एम भी आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये चीज जरूर देखना बेटा, जो ये पोल है ये पास है, देखो ज्यादा फोर्स लगाएगा और ये दूर है, तो इसमें से इसको वेक्टर क्या कहते हैं, देखो अपोजिट डायरेक्शन में इसमें से ये माइनस हो जाएगा, तो आप पे बी की जो वैल्यू है वो बस इतनी सी बचेगी, इसके हिसाब से इसमें से इसको माइनस करके ये बचेगा बी, सिर्फ ये मैग्नीट्यूड। ठीक है चलो, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एम ए माइनस बी ए प्लस बी, स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए भूलिए, ए माइनस बी ए प्लस बी, नीचे क्या हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, ऊपर ओपन दीज ब्रैकेट डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस टू डी एल माइनस डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस टू डी एल, लेकिन ब्रैकेट के अंदर रखना अभी इसको, क्योंकि बाहर साइन नेगेटिव है। ठीक है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एम डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, इसको ओपन कर लीजिए, डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस टू डी एल माइनस डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा, बाहर माइनस है, ए भी माइनस, ए भी माइनस, ये प्लस टू डी एल, नाउ कैंसल, एल स्क्वायर से प्लस, ये माइनस वाले से प्लस, कैंसल, बचा क्या फोर डी एल, बाहर एम, इधर म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, नीचे डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ बी। उसके बाद इसी को म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, इसी को देखो फोर को मैं कैसे लिख रहा हूं, एम डॉट टू इंटू टू करके, एक टू तो मैंने एल के साथ लगा दिया, डॉट टू डी ऐसे लिख रहा हूं मैं, लिख सकता हूं फोर डी एल को टू एल इंटू टू डी, ठीक है, अपॉन डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पावर होल स्क्वायर। इसके बाद यू नो वेरी वेल जो ये एम डॉट टू एल होता है ये किसके इक्वल होता है, कैपिटल एम, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इससे पहले आपको बताया गया था। ठीक है, साथ में क्या हो गया 2d है, 2 यहां पर ले लिया, d यहां पर ले लिया, अपॉन d स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया। इसमें अगर आप d की वैल्यू ग्रेटर ग्रेटर देन l ले लो तो क्या होगा, l की वैल्यू को आपको क्या करना है, जीरो के करीब ले लेंगे, तो एल को जीरो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यही इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, टू एम डी म्यू नोट अपॉन फोर पाई की जगह पर मैं के लिख रहा हूं अपॉन, ये क्या हो जाएगा डी स्केयर का स्केयर डी रेस टू द पावर फोर, एक डी से एक खत्म थ्री आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा टू एम अपॉन डी, तो दिस इज द रिजल्ट फॉर एक्सियल लाइन। किसके लिए रिजल्ट होगा ये, एक्सियल लाइन। ठीक है ओके, तो नोट कर सकते हो आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका, आप यहां पर नॉर्थ की जगह पर साउथ भी ले सकते हो, मैग्नेट को उल्टा भी रख सकते हो, एल डी मर्जी है आपकी, ले जो जो आपका मन करता है वो लीजिए। इसके बाद इक्विटोरियल लाइन, इक्विटोरियल लाइन के लिए करो,
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मैग्नेटिक डाइपोल. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मैग्नेटिक डाइपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन, और पॉइंट भी बोल सकते. ठीक है, सारा खेल डायग्राम को समझने का है. सबसे पहले तो आप एक डाइपोल बना लीजिए इसमें भी, तो बार मैग्नेट ही ले लो, उसी को लेकर कर रही है सारा काम. ये लीजिए, ये ले लिया आपने बार मैग्नेट. ठीक है, ये एक पोल ले लिया साउथ, और ये एक पोल ले लिया आपने नॉर्थ. ये इसका सेंटर ओ, एंड यू नो वेरी वेल ये सारा डिस्टेंस आपने 2L ले लिया, जिसकी वजह से ये भी L हो गया और ये भी L, हाफ हाफ ले लिया दोनों L और L. इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है? इक्वेटोरियल लाइन होती है जो इसकी एक्सिस थी नॉर्थ साउथ, इसके परपेंडिकुलर एक आपको लाइन चूज करनी है. इस तरह से ऊपर भी कर सकते हो, नीचे भी कर सकते हो, मर्जी आपकी. इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन. और इसी पर कहीं पर कोई पॉइंट लेकर आपने क्या करना, अब वर्क करना है. तो आपको फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड कहां पर. चलो इस पॉइंट पर देख लेते, यहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड क्या करना है, कैलकुलेट करना है. तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा. ठीक है, तो करते हैं. सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहां पर अज्यूम करते हैं कि जो ये पॉइंट है टेस्ट पोल है आपका, ये नॉर्थ है. क्या ले लिया आपने इसको, नॉर्थ की तरह ट्रीट करोगे इसको. क्या होगा, सबसे पहले इसको दीजिए, ये नॉर्थ इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा. किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में. ये कर दियो. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड आपको किस डायरेक्शन में मिलेगा, यस इस डायरेक्शन में मिलेगा. आप इसको नाम दे दो बी एन. ठीक है, दूसरा ये साउथ है, ये वाला नॉर्थ है, ये इसको कहां खींचेगा, अपनी तरफ. ये होगा बी एस. ठीक है, पूरी कंस्ट्रक्शन करते हैं अब इसके. ये इक्वेटोरियल पॉइंट पर देखो नॉर्थ को हमने ट्रीट करके ऐसे करा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, सपोज ओ से लेकर इस पॉइंट को आपने ले लिया डी डिस्टेंस. कितना ले लिया, डी. ये कितना है, एल. पाइथागोरस आती है आपको, ये बन जाएगा डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट. इसी तरह से ये डी हो गया, ये एल हो गया, ये क्या होगा, डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट, सेम पाइथागोरस. तो ये डिस्टेंस आपको मिल चुकी है. बी एन और बी एस की वैल्यू निकलवाइए, लिखवाइए. बी एन की वैल्यू क्या होगी, फार्मूला म्यू नॉट अपॉन फोर पाई. पोल स्ट्रेंथ कितनी है, एम और एम. डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक, बी एन की वैल्यू है डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर द रूट. लेकिन हमें इसका क्या करना होता है, स्क्वायर. पता है ना ये फार्मूला, बी का फार्मूला म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एम अपॉन आर स्क्वायर. तो यहां पर आर क्या है, हमें क्या करना है, आर का स्क्वायर कर दिया. ठीक है, डायरेक्शन क्या रहेगी, एन बी अलोंग एन, सॉरी पी पॉइंट ले रहे हैं, एन पी डायरेक्शन. इसी तरह से बी एस निकलवाइए. तो दो मैग्नेट दे दिए,
और आपसे पूछ लिया बताना बेटा इससे पोल स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, ऑब्वियस आप इसकी कहोगे, इसकी कम कहोगे, बस ये बात है। ठीक है, पोल स्ट्रेंथ के बारे में ज्यादा डिटेल भी नहीं है, बस ये है कि उसके पोल पर कितना मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक डाइपोल की जो स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक डाइपोल ये क्या कहते हैं, पोल स्ट्रेंथ, पोल की जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ का मतलब तो आप समझते ही हो ताकत से, तो एक तरह से मैग्नेट की ताकत को दिखाता है कि ये मैग्नेट ज्यादा ताकतवर है और ये थोड़ा सा कम, ये ज्यादा अट्रैक्ट कर सकता है, ये थोड़ा सा कम कर सकता है। ठीक है, इस तरह से जैसे चार्ज में होता है, दो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, बड़े बड़े चार्ज है तो डाइपोल स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, छोटे छोटे हुए तो दो छोटे चार्ज का डाइपोल बना दिया तो आपने, तो क्या होगा, इसकी पोल स्ट्रेंथ एक तरह से कम होगी।